अच्छा सी एन एस के अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेन का ब्रेन के अंदर हम बेसिकली ब्रेन को जो है बेसिकली uh, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर और हायर uh, सेंटर्स के अंदर ब्रेन स्टेम के अंदर हमें पता है कि जब हम लोअर से अपर जाएंगे ब्रेन स्टेम के अंदर तो मेडुला ऑब्लिन गेटा पॉन्स और फिर ऊपर सेरीबैलम प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिन गेटा पॉन्स और ऊपर हमारे पास मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है हायर सेंटर्स के अंदर हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबैलम इन्वॉल्व होते हैं अच्छा अब हमारे पास हमने जब देखा था कि मीजन सेफलॉन रोमन सेफलॉन वगैरह तो आ, सबसे पहले हमने देखा था प्रोजन सेफलॉन हम आ, फोर ब्रेंड को कहते हैं लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले रोमन सेफलॉन पढ़ेंगे जो हमारे पास हाइंड ब्रेन है क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट होंगे अच्छा उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड जो है दोनों के अंदर हमारे पास जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे पास बेजल प्लेट्स और एनल एलर प्लेट्स वगैरह प्रेजेंट थी इसी तरीके से हमारे पास यहाँ बेजल प्लेट्स और एलर प्लेट्स वगैरह प्रेजेंट होंगी ब्रेन स्टेम के अंदर सेम ही ऑर्गेनाइजेशन होगी क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टिनुएन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है लेकिन ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास हायर सेंटर्स के अंदर जो है हमारे पास ये बेजल प्लेट्स और एलर प्लेट्स की जो है थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी जो हमारे पास बेजल प्लेट्स हैं उनकी रिग्रेशन हो रही होगी और जो एलर आ, हमारे पास एलर प्लेट्स होंगी हमारे पास उनकी एसेंटुएशन हो रही होगी ठीक है आ, हमारे पास बेजल प्लेट्स की रिग्रे, आ, रिग्रेशन ऑफ द बेजल प्लेट्स और एसेंटुएशन ऑफ द एलर प्लेट्स हो रही होगी ये पैटर्न होगा हमारे पास हायर सेंटर्स के अंदर बाकी ब्रेन स्ट्रैथ के अंदर सेम पैटर्न ही रहेगा जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अब हमारे पास आ जाता है रोमन सेफलोन यानी कि हाइंड ब्रेन रामन सेफलॉन के हमारे पास दो पार्टी हमने देखा था मायलन सेफलोन मीटन सेफलो मायलन सेफलॉन बिल्कुल ही कॉर्डल मोस्ट पार्ट होगा मीटन सेफ्लोन हमारे पास उससे ऊपर वाला पोर्शन होगा जो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा बिल्कुल ही पॉन्टाइन फ्लेक्चर हमने पीछे पढ़ा था पॉन्टाइन फ्लेक्चर से लेकर पोंटाइन फ्लेक्चर से लेकर सेफलिक इस्थमस तक जो है वो हमारे पास एक्सटेंड हो रहा होगा नीचे से ऊपर के लेवल पर हमने देखा ठीक है आगे है हमारे पास मायलन सेफलॉन मायलन सेफ्लॉन हमें पता है कि उसने आगे हमारे पास क्या आ, बनाना है फॉर्म करना है तो उसने मेडुला ऑब्लिन गेटा बनाना है इसके अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो मेडुला ऑब्बन डेटा की लेटरल वॉल्स होंगी वो स्लाइटली इवर्टेड होंगी ठीक है इवर्टेड स्टेट के अंदर होंगी अब हमने देखा कैलर प्लेट्स बेजल प्लेट्स जिसके अंदर भी प्रेजेंट होंगी और ईज साइड ऑफ मिड लाइन पड़ी हुई होंगी अब जब जब बेजल प्लेट्स के अंदर हमें पता है कि मोटर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं उन मोटर न्यूक्लियर को हमने थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है एक सेकेंड हाँ एलर प्ले बेजल प्लेट्स के जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उसको हमने थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो हमारे पास होगा अच्छा मीडियल टू लेटरल जाएंगे अगर हम यहाँ से देख लें ये है हमारे पास बेजल प्लेट्स के ग्रुप्स न्यूरॉन्स के ग्रुप्स और ये हमारे पास हैं लेटरल प्लेट्स के ठीक है अब हमारे पास जो बिल्कुल ही मीडियल वाला होगा ये मीडियल इंटरमीडियट या लेटरल जो बिल्कुल ही हमारे पास मीडियल वाला है इसे हम कहेंगे सोमेटिक ईफ्रेंट ईफरेंट इसलिए क्योंकि ये मोटर न्यूरो न्यूक्लियसिस प्रेजेंट है हमारे पास ये तो ये हमारे पास होगा सोमेटिक uh, ईफरेंट ये होगा स्पेशल विजरल ईफ्रेंट ये होगा जर्नल विजरल इफरेंट ठीक है अभी जो मोटर सोमेटिक ईफ्रेंट हमारे पास प्रेजेंट है, आ, इसके अंदर आ, हमारे पास न्यूरॉन्स पड़े हुए होंगे हाइपोग्लॉसल नर्व के लिए जो मस्कुलेचर है हमारे पास टंग का जो किसको टंग के मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है अब आ, और किसके अंदर हमारे पास मायलन सेफलॉन के अंदर अब ये हमारे पास जो है ना सोमेटिक वाला ये एक्सटेंड कर रहा होता है मीटियन सेफलॉन तक और मीटन सेफलॉन के अंदर और आ, Uh, एक और पार्ट था हमारे पास ये हमारे पास मीजन सेफलॉन तक एक्सटेंड कर रहा होता है सॉरी ये वाला पार्ट हमारे पास मीजन सेफ्लॉन तक एक्सटेंड कर रहा होता है तो हमने देख लिया कि मायलन सेफ्लॉन के अंदर तो इसके पास न्यूरॉन प्रेजेंट होगा हाइपोग्लॉसल नर्व का लेकिन मीडियन सेफलॉन और uh, मीजन सेफलॉन के अंदर इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे ओकि्यूरोमोटर के ट्रॉकलीयर के और एबडूसेंस नर्व के उसके बाद दरमान वाला है हमारे पास इंटरमीडिएट स्पेशल इंटरमीडिएट स्पेशल विजरल इवेंट होगा अच्छा इसके अंदर हमारे पास जो है न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे फेशल इसके अंदर हमारे पास सॉरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे वेगस के गासोफर के और असेसरी नर्व के किसके असेसरी के वेगस के और ग्लासोफर नर्व के प्रेजेंट होंगे बस ये याद रखो नाइन टेन एलेवन के प्रेजेंट होंगे इसके अंदर और इसके अंदर हमने देख लिया कि फोर थ्री फोर सिक्स के, uh, के प्रेजेंट होंगे ठीक है और दूसरा ये भी याद रखो कि ये इसके जो न्यूरस होंगे ना मोटर न्यूनस होंगे वो स्ट्राइटेड असल्स ऑफ द फरेन्जियल गट को भी सप्लाई कर रहे उसके होंगे उसके भी मोटर न्यूरॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसके बाद हमारे पास आ जाता था है थर्ड वाला जिसका नाम है हमारे पास जर्नल विजरल एफरेंट ठीक है जर्नल इस जर्नल विजरल एफरेंट जो होंगे वो हमारे पास सप्लाई करेंगे इनवॉलेंटरी मस्कुलेचर को इनवॉलेंटरी मस्कुलेचर ऑफ द जीआईटी यानी कि इंटेस्टाइन को रेस्पिरेटरी को और हार्ट को